आपके अपने चैनल गीगा एकेडमी में इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ई पोस्टर कंपटीशन के बारे में। तो ये ई पोस्टर कंपटीशन जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक हैदराबाद और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आयोजन इसका किया जा रहा है। जैसा कि सबको पता है इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस। तो इसी के उपलक्ष्य में ये जो है कंपटीशन का आयोजन ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, देखिए जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हु कैन पार्टिसिपेट। सबसे पहले हम जानेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी में इसको डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए में स्टूडेंट लेस देन 18 इयर्स कैन पार्टिसिपेट एंड ग्रुप बी में जो कि स्टूडेंट एज ग्रुप है जिनकी 18 से लेकर 26 इयर्स तक के सभी एज ग्रुप के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बारी आती है इसकी अवार्ड्स की, इसमें हम क्या क्या अवार्ड्स जीत सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट प्राइज होगा और ईच ग्रुप को अलग अलग सेपरेट प्राइज मिलेंगे। फर्स्ट प्राइज होगा ₹5,000, सेकेंड प्राइज होगा 3,000, थर्ड होगा आपका 2,000 रुपीज और सब पार्टिसिपेंट्स को ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी लास्ट डेट जो है सबमिशन की वो है आपकी 25 सितंबर शाम को 5 बजे तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं और जो रिजल्ट अनाउंस होंगे उसके 30 सितंबर यानी 30 सितंबर को इसके रिजल्ट अनाउंस होंगे। अब इसको आप मोड ऑफ सबमिशन क्या होगा यानी कि आप इसको कैसे सबमिट कर सकते हैं, देखिए आप सबसे पहले इसके गाइडलाइंस जान लीजिए। आपके पोस्टर कैसे बनाएंगे, जो पोस्टर होगा आपका डिजिटल फॉर्मेट में होगा यानी कि हाथ से आप ड्रॉ नहीं कर सकते, आप उसे कंप्यूटर पर किसी ऐप के थ्रू या फिर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप ड्रॉ करेंगे। थीम जो होगा आपका होगा माई विजन ऑफ इंडिया 2030। इस पर आप कोई भी पोस्टर आप इसमें कंप्यूटर पे आप इसमें ड्रॉ करेंगे और जो आर्ट वर्क होगा जो आपका पोस्टर वर्क होगा वो A4 साइज या A3 साइज में होना चाहिए और जो फाइल फॉर्मेट होगी वो JPEG या PNG में होनी चाहिए। और अगर आप उस पर कोई स्लोगन लिखते हो तो इट शुड बी इन इंग्लिश और हिंदी, किसी भी लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी में हो सकता है और आपका वर्क और जो है ओरिजिनल होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आप इसमें पार्टिसिपेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट नेम, पार्टिसिपेंट या पेरेंट ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, एड्रेस ऑफ स्कूल कॉलेज अलग से एक सबमिशन देंगे, सेपरेटली सबमिशन देंगे इसका, उसी पोस्टर में आप मेंशन नहीं करेंगे। अब इसके साथ आपको इसका सिलेक्शन का प्रोसेस मैं बाद में बताती हूँ, पहले बताती हूँ कि सबमिशन आपको कैसे करना होगा, आर्ट वर्क आप सबमिट कैसे कर पाएंगे। पार्टिसिपेंट्स आर टू सबमिट देयर इस पोस्टर वर्क ऑन व्हाट्सएप नंबर, ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस पर इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके सबमिशन के बाद जो आपका रिजल्ट होगा उसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, देखिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस है एक टीम के थ्रू ही होगा और एक फाइनल वो सिलेक्शन होगा। जब अगर आप जीत जाते हैं, विन कर जाते हैं, तो आपको एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी आपको प्रूफ के रूप में देनी होगी। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी आप एक बार पढ़ लेंगे कि क्या क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो इस तरह से एक कमाल का अच्छा कॉन्टेस्ट है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें इनाम भी जीत सकते हैं, प्राइज भी जीत सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।